बिग बॉस 17 के प्रीमियर स्टेज पे जहां हमने ईशा और अभिषेक की लड़ाई देखी थी, तो भाई घर के अंदर अब ईशा मालविया किसी और के साथ काफी क्लोज होती दिखाई दे रही हैं। साफ दिख रहा है कि भाई एक नई दोस्ती जन्म ले रही है। बिग बॉस 17 के घर में काफी सारे कंटेस्टेंट का आगमन तो हो ही चुका है, लेकिन साथ साथ ये लोग काफी सारा भर भर कर एंटरटेनमेंट, कुछ नए रिश्ते और कुछ पुराने रिश्तों की कड़वाहट लेके पहुंचे हैं। ऐसे में ईशा मालविया इस सीजन की काफी क्यूट कंटेस्टेंट बताई जा रही हैं। हालांकि स्टेज पर सलमान खान के सामने अभिषेक के साथ के उनके फाइट को लोगों ने काफी ज्यादा बड़ा बना दिया और इसके साथ साथ काफी सारे खुलासे भी हुए। तो घर के अंदर जाने के बाद ईशा मालविया की बात करें तो वो उन सभी बातों को भूल गई। उन्होंने किसी और को अपना दोस्त बनाने की ट्राई किया और वो ऐसा करने में कामयाब भी रही। वेल, आप देख सकते हैं मुनव्वर फारूकी के साथ उनकी दोस्ती काफी बढ़ती दिखाई दे रही है। भाई लाइव फुटेज से ये वीडियो सामने आया, जिसके ये कुछ स्टिल्स है जहाँ किचन एरिया में नजर आ रहे हैं मुनव्वर फारूकी और ईशा मालविया। ईशा मालविया जहाँ कुछ कुक कर रही होती हैं, तो वहीं मुनव्वर फारूकी उनकी हेल्प कर रहे होते हैं और वहीं उनके मस्ती मजाक में मुनव्वर फारूकी का अपना एक कॉमेडियन अंदाज काफी कमाल का होता है। इसके साथ ही बाकी सब लोग भी जब किचन में होते हैं तो वो ईशा मालविया से कुछ कहते हैं, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी और ईशा मालविया का एक फन बैंटर भी सामने आया। भाई जिस तरह से ईशा मालविया उनको हग करती, उनको गुड नाइट कहती और बाय कहती नजर आई, फैंस को तो ये चीज काफी पसंद आई और कुछ लोगों को बिल्कुल ना पसंद आई, क्योंकि लोगों का कहना है कि मुनव्वर फारूकी का ऑलरेडी एक एंगल है घर के बाहर जो उनकी गर्लफ्रेंड है, तो ऐसे में किसी भी रियलिटी शो में एक फेक एंगल बनाना गलत बात है। वेल, ऐसा हो सकता है कि इन दोनों की बॉन्डिंग भले ही रियल हो, लेकिन फैंस का तो कहना ये है कि भाई उनको ये पसंद नहीं आया। फिलहाल बात करें अभिषेक की, तो देखिए अभिषेक तो खुद ही ईशा मालविया को लेकर काफी पॉजेसिव थे, उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट की, वो भी सलमान खान के सामने। अब ऐसे में जब वो इन दोनों की नजदीकियां देखेंगे तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वेल, आपको बता दें कि इस फुटेज से जब ये सभी चीजें हुई उस वक्त अभिषेक कुमार यहाँ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए, यानी कि अभिषेक की गैर मौजूदगी में ये सारी बातें हुई। वेल, आपको बता दें कि इस शो में आने से पहले ईशा मालविया और अभिषेक कुमार एक एक्स कपल थे जो कुछ वक्त पहले एक दूसरे से ब्रेकअप कर चुके थे, लेकिन शो में आने के बाद इन दोनों की वही लड़ाइयाँ, वही नोकझोंक देखने मिली जो प्रीमियर स्टेज से ही शुरू हो गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ईशा और मुनव्वर की बढ़ती दोस्ती पर आपका क्या कुछ है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड और बिग बॉस से जुड़े अपडेट के लिए देखते रहें फिल्मी भी।